हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स में टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम टॉपिक हमने लिया है फिजिक्स के नाइन्थ चैप्टर से, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। देखो मोमेंटम क्या है, सबसे पहले हम अगर सिंपल भाषा में पढ़े मोमेंटम क्या है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में हो तो हम बोलते हैं उसके पास मोमेंटम है। मीन्स कि आप बॉडी के मोशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में मेजर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की क्वांटिटी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में मेजर करेंगे। और मोमेंटम जो है वो कैसे हम मेजर करते हैं उसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी v। कहते मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी के मास एंड उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है इसको हम लिखेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें मोमेंटम की वैल्यू मेजर कर देता है। ठीक है, तो मास को हम लिख रहे हैं स्मॉल m के साथ और वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं स्मॉल v के साथ, और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p के साथ। ठीक है, स्मॉल p जो है वो हमारा मोमेंटम का सिंबल है, तो ये आएगा स्मॉल p इज इक्वल टू एम वी, हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी आप यूनिट देखते हो, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम में अगर आप देखें तो सबसे पहले यूनिट्स कैसे इसके फॉर्म होंगे, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के यूनिट क्या है, मास के यूनिट्स आप कौन से लेते हो, किलोग्राम, और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर आप सिंबल में लिखें तो इनके यूनिट क्या आएंगे, ऐसा यूनिट जो है मोमेंटम के ऐसा यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम का केजी, मीटर का एम पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जो ऐसा यूनिट है मोमेंटम के वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट, देखो न्यूटन ने मोशन के लिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने हमें तीन लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, कहता है अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो तब तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जब तक आप उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट नहीं चेंज करते। ठीक है, अगर ये जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये टेबल पर पड़ी है, ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक मैं बाहर से एक फोर्स लगाकर इसको उठाता नहीं हूं। ठीक है, ऐसे अगर एक गाड़ी है तो किसी रोड पर चल रही है, तो जब तक आप बाहर से ब्रेक द्वारा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो गाड़ी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जांपल मैंने अभी दी बुक वाली, कार वाली, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ भी है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप लिखेंगे कैसे, इसकी स्टेटमेंट है, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स
एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कॉन्टिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा अभी मैंने, ए बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स एट रेस्ट ए बॉडी इन मोशन विल कॉन्टिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक अनलेस मीन्स जब तक इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसे रोकती नहीं है, इसके स्टेट को चेंज नहीं कर पाती, जब तक बाहर से कोई फोर्स इसको नहीं लग रही इसकी स्टेट चलने के लिए, तब तक ये रेस्ट में रहेगी या फिर अगर मोशन में आया तो मोशन में रहेगी। जब इसे बाहर से कुछ फोर्स लगेगी तभी ये अपनी स्टेट चेंज करेगी। ये न्यूटन ने हमें अपने फर्स्ट लॉ में बताया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक जो है तब तक टेबल पर पड़ देती जब तक बाहर से कोई उसको फोर्स लगाकर उठाता नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ।